Cause I just wanna go, go, go to the deep end. ये फ्रेंड्स हमारे पास ओप्पो का A77 और मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन के बेस्ट कैमरा फ्यूचर सेटिंग के बारे में, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग फ्यूचर रहेंगे इस फोन के। और कैमरा सेटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं ये भी कम्प्लीटली मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपका कैमरा एप्लीकेशन रहेगा सिंपली इसको इस तरह से ओपन कीजिए। इसको ओपन करते यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल कुछ इस तरह से स्क्रीन आती है। अगर आपको फुल स्क्रीन ही फोन करना है तो उसके लिए आपको यहाँ कुछ इस तरह से ये डाउन कर लेना है तो आपके सामने स्क्रीन इस तरह से आएगी। फुल करना है तो फुल पर क्लिक करके आप स्क्रीन को इस तरह से फुल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हो अब स्क्रीन आपकी फुल एरिया में आ चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी अमेजिंग सेटिंग आपको बताऊंगा, जैसे कि ये तो स्क्रीन आप इस तरह से फुल कर सकते हैं। अगर आप फोटो क्लिक करना चाहते हैं कुछ अमेजिंग तरीके, मतलब एकदम बूस्टेड डार्केड फोटो आप क्लिक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस आइकन पर क्लिक करना होगा। अब आपका ये क्रोमा बूस्ट यानी ओपन हो जाता है। सिंपली आप इस तरह से फोटो के लिए क्लिक कर लीजिए तो आपका एकदम डार्क किट ये फोटो आपको देखने को मिलेगा, एकदम डार्क फोटो आएगा आपका ये। इस तरह से आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिल्टर में काफी अच्छा फोटो यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, मतलब एक अच्छा फोटो आए एकदम क्लियर फोटो आपका आए, तो उसके लिए पहले तो इस आइकन पर क्लिक कीजिए और इसको लगभग 80% आप यहाँ पे इसको सेट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर देखने को मिलते हैं। फिल्टर पर क्लिक करके आपको R2 फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है। R2 सेलेक्ट करेंगे तो काफी अच्छा पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपको ये फिल्टर लगाने हैं, उसके बाद आपको फोटो क्लिक करना है तो ये काफी अच्छा फीचर आपको क्लिक करके ये फोन दे देगा। तो नॉर्मल फोटो तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। अगर HDR ऑन करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे HDR पर क्लिक करके आप ऑन कर दीजिए तो HDR ऑन करके ही डायरेक्ट आपका ये फोटो क्लिक हो जाएगा। अगर आप ऑटो रखते हैं तो जहां पे जरूरत रहेगी वहां पे HDR हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल फोटो आपका क्लिक हो जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे नॉर्मल फोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करना है, मतलब ब्लर फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो पोर्ट्रेट पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। पहले नंबर पर आइकन देखने को मिलेगा, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ब्रोकन आप कितना रखना चाहते हैं, जो आपका ब्लर का एरिया रहेगा कितना ज्यादा उसको ब्लर करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट उसको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। इसके साथ ही यहाँ से आप फिल्टर के लिए भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं काफी अमेजिंग फिल्टर देखने को मिलेंगे, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट्स और आपको बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं। जो भी फिल्टर्स में आपका फोटो अच्छा आपको दिखता हो वहां उसको सेलेक्ट करके आप फोटो के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो एक तो आपका यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब रहा वीडियो, जब आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो आप वीडियो सिंपल यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। इसमें भी आप फिल्टर के लिए ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सेम वैसे ही फिल्टर देखने को मिलेंगे। जिस फिल्टर में आपका वीडियो आपको अच्छा दिख रहा हो कि इसमें अच्छा दिख रहा है क्वालिटी, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके उसको आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके साथ अगर पिक्चर क्वालिटी क्या रखना चाहते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगी वो किस क्वालिटी में आपकी रिकॉर्ड हो रही है उसको भी सेट करना है तो सेटिंग आइकन पर पहले क्लिक कीजिए। अब आप आ जाते हैं अपने फोन की जो सेटिंग रहती है कैमरे की उसके अंदर स्क्रॉल करके। अब आप देख सकते हैं वीडियो रेजोल्यूशन का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करके आप दो क्वालिटी को सेट कर सकते हैं, एक तो 720 और दूसरा आपका है 1080, जिसको भी आप रिकॉर्ड करना चाहें यहाँ क्लिक करके उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग में ही एक अमेजिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि रहता है फिंगरप्रिंट शूटिंग। सिंपल इस पर क्लिक कर देंगे तो आप फिंगरप्रिंट को टच कराकर भी फोटो को इस तरह से क्लिक कर पाएंगे। आप फोटो क्लिक करना है तो सिंपल फिंगरप्रिंट को इस तरह से क्लिक करा दीजिए तो आप देख सकते हैं फोटो क्लिक इस तरह से फोटो को यहाँ पे ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये काफी अमेजिंग फीचर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप नाइट में फोटो क्लिक करना चाहते हैं और काफी अच्छा फोटो आपका आना चाहिए तो आपके लिए नाइट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आके आपको फिल्टर्स वगैरह भी ऐड करने का ऑप्शन है, यहाँ से आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जिसका सिंपल इस तरह से फोटो क्लिक कर लीजिए तो आपकी कुछ टाइम लगेगा इस फोटो में और फिर इसको देखेंगे तो काफी ब्राइटली आपको ये फोटो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप यहाँ पे कैमरा सेटिंग को कर सकते हैं। इस फोन के अंदर आपको एक अमेजिंग फीचर देखने को मिलता है जो कि रहता है स्टिकर। स्टिकर लगाने के लिए आपको मोर पर क्लिक करना होगा, यहाँ स्टिकर देखने को मिलेगा इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको स्टिकर का एक आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर देखने को मिलेंगे जो कि नेट से डाउनलोड करके आप उनका यूज कर सकते हैं अपने कैमरे में। तो इस तरह से यहाँ पे आप इनको अभी यूज कर पाएंगे। थोड़ा सा बैक आने के बाद यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा 1x का एक ऑप्शन। सिंपली इस पर क्लिक करके अपने फोन का जो जूम रहता है उसको आप इस तरह से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो आप जितना चाहें यहाँ पे आप देख सकते हो कितना आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप फोन में सिर्फ 5x तक जूम कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे चाहें तो इस तरह से भी क्लिक करके जूम कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से क्लिक कराकर भी जूम को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको ये सब सेटिंग देखने को मिलती है इस फोन की कैमरे की जो कि काफी अच्छी रहती है। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको सेट करके रख सकते हैं, मैंने बताया उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वाला वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।